मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने मथुरा में धार्मिक स्थल के सर्वे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों को डराने का प्रयास वाले बयान पर कहा कि यह प्रजातंत्र है और इसमें किसी के विचारों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जैसा वह कह रही है उस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कोई भी टीका टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं उन्होंने मथुरा सर्वे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह अदालत का फैसला है, जैसा सही समझेगी वैसा निर्णय लेगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान बीजेपी साल 2019 में आई थी और 2024 में यूपी से चली जाएगी की प्रतिक्रिया में गुलाब देवी ने कहा कि उनके अपने विचार हैं जो वह व्यक्त कर रही हैं और जो विपक्ष के विचार होने भी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले वह खुद तो जुड़ जाएं बाद में यूपी जोड़ें। जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने प्रदेश के छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन एक परीक्षा की तरह है, हर लम्हा हम परीक्षा में रहते हैं। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ धैर्य हो, साहस हो, निरंतरता हो, वहाँ बच्चे हमेशा सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि पिछले साल 56 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे। इस परीक्षा ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था। किसी ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी के विचारों पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। जैसा वो कह रहे हैं उस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। ये अदालत का फैसला है, जैसा अदालत सही समझती है वैसे निर्णय देती है। अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि 2014 में भाजपा यूपी से आई थी, 2024 में भाजपा यहीं से जाएगी, देश से चली जाएगी, क्या कहेंगे? अपने विचार है, ये उनके विचार हैं जो व्यक्त कर रहे हैं और विपक्ष के विचार होने भी चाहिए। सारी व्यवस्थाएं नई है और जो पहले चल रहा था उसी में और सुधार। अच्छा, बच्चों को क्या संदेश देंगे? हम बच्चों को ये संदेश देंगे कि जीवन बच्चों के लिए संदेश देंगे कि ये जीवन ही परीक्षा है, हर क्षण व्यक्ति परीक्षा में रहता है और जहाँ धैर्य हो और जहाँ तल्लीनता हो और निरंतरता हो वहाँ बच्चे हमेशा ही सफल होते हैं। और यही कारण है कि विगत वर्ष में 56 लाख बच्चे बैठे थे और हमारा इतना बढ़िया शानदार रिजल्ट आया जो विगत सालों का 30 साल का रिजल्ट तोड़ा। कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है बनारस से, अजय राय ने मैडम क्या कहा? पहले वो खुद तो जुड़ जाएं, बाद में भारत जोड़ेंगे, पहले खुद तो एक हो जाए उसके बाद में कुछ करेंगे। बनारस में 2 दिन का प्रधानमंत्री दौरा है तो उनका तो क्षेत्र है तो वो तो दौरा रहेगा ही उनका।